हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से सरकारी जॉब से संबंधित ही वीडियो अपलोड करता हूं और 100% सही वीडियो अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे BSC इंटर लेवल रिजल्ट के बारे में, जो एक वेरी गुड न्यूज आ चुकी है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी से बताना चाहते हैं कि जो BSC इंटर लेवल का जो रिजल्ट है, आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार करते आ रहे हैं कि BSC इंटर लेवल का जो रिजल्ट है कब तक जारी किया जाएगा। उसके साथ में दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो BSC इंटर लेवल का जो वैकेंसी 2014 में ही आई थी, आप लोग 2014 में ही फॉर्म भरे थे, लेकिन जो इसका एग्ज़ाम एक बार 2017 में लिया गया था और पेपर लीक होने के कारण एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। इसके बाद फिर से एक बार एग्ज़ाम 2018 में 8 से 10 दिसंबर के बीच लिया गया। अगर हम बात करें दोस्तों, तो पूरे अभी 6 वर्ष होने वाला है, लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। और BSC इंटर लेवल रिजल्ट को लेकर 18 नवंबर को एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी मिलकर प्रदर्शन किए। उसके साथ में पप्पू यादव ने वहां पर जो अभ्यर्थी को साथ दिए थे। उसके बाद BSC के जो सचिव महोदय ने बताया कि 18 दिसंबर से जो पहले रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा, और कुछ वैसे यूट्यूबर हैं जो बता रहे हैं कि 6 दिसंबर को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज 4 दिसंबर है, अब देखते हैं कि 6 दिसंबर को रिजल्ट जारी होता है कि नहीं होता है। अभी तक तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग वेट कीजिए रिजल्ट को लेकर। अगर 18 दिसंबर तक रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग फिर से एक बार प्रदर्शन करेंगे 18 दिसंबर के बाद। उसके साथ में दोस्तों, आप सभी को सूचना मिल जाएगी कि किस डेट को प्रदर्शन करना है। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग वेट कीजिए और इस वीडियो को लाइक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।